इसने तो मेरे अर्जेंटेज पे भी अटैक कर दिया, इसने मेरे पे अटैक कर दिया, मैं गया भाई। ओए एक और, एक और, एक और, इसको ही मारूंगा, रुक जा। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ आर्क सर्वाइवल। लास्ट एपिसोड में मैंने दो नए नए डायनासोर टेम करे थे। एक तो था अपना ये ब्रोंटोसोर, जो कि भाई काफी नेक्स्ट लेवल है, और ये लेवल 79 का है भी। भाई कितना शोर करता है यार ये। तो देखो भाई, मैं इसके ऊपर भाई पूरा ऐसे मतलब चल सकता हूँ, यहीं से मैं किसी को भी तीर मार सकता हूँ। तो मतलब ये काफी नेक्स्ट लेवल लगा मुझे। और ये बेरीज भी बहुत ज्यादा इकट्ठी करता है, एक बार में 2-3 हजार बेरीज इकट्ठी कर लेता है। ये कहाँ से आ गया यार, पे जाना तो यहाँ से। अरे भाई वो तो सारे आ गए इसे मारने भाई एक साथ। मुझे लग रहा है मैंने इसको न्यूट्रल कर रखा है इन सबको शायद, हाँ इसलिए तो अटैक कर रहे हैं। और दूसरा जो मैंने टेम करा था वो था भाई ये मेगलोडॉन, जो की अभी लेवल 37 की है, और इसको मैं फॉलोइंग से एक बार हटा देता हूँ। और भाई ये भी काफी सही लगा मुझे। अब क्या है कि मैं पानी के अंदर जा सकता हूँ, मतलब मुझे पूरा ओशन जो एक्सप्लोर करना है वो मैं कर सकता हूँ। और लास्ट एपिसोड में मेरे पास यार ऑब्सीडियन नहीं था, वो सब मैं लेके आया हूँ जाके। और जब मैं ऑब्सीडियन लेने गया था भाई, मैंने वहां पे देखा बहुत सारे अर्जेंट एविस थे, तो मैंने एक और अर्जेंट एविस टेम कर लिया। एक तो अपना ये है लेवल 104 का हो चुका है भाई ये, और जो दूसरा अर्जेंट एविस है वो लेवल 52 का है, वो ऊपर बैठा हुआ है। तो दो अर्जेंट एविस मेरे पास हो चुके हैं। अब यार जो मेन कमी आ रही है वो है कि भाई किबल बनाने के लिए एग्स नहीं है। जैसे अभी ये मेरे पास एक है सर, जैसे मेल मेरे पास है एक, तो मुझे 3-4 फीमेल टर्टल चाहिए, ताकि भाई इनको मैं ब्रीडिंग इनकी करा सकूं। और इससे मुझे मिलता है यार लार्ज एग, शायद से मुझे एक बार देखना पड़ेगा। तो इसका एग से यार मुझे रेगुलर किबल बनाने में आसानी होगी। और अगर मुझे सुपीरियर किबल बनानी, तो उसके लिए भाई मुझे मोस्टॉप ढूंढना है, जो कि इधर कहीं घूम रहा था यार एक। यार टेक पेरासोर बहुत घूम रहे हैं यहाँ पे, अगर मैं इनको भी टेम कर लूँ तो मतलब इनके जो बच्चे होंगे उनसे मुझे यार टेक का सामान मिल जाया करेगा ना। अरे लेवल 52 का है तो पकड़ लेता हूँ मैं, एक काम करता हूँ। अरे भागेगा, मेरे पास वो है क्या, हाँ बोला है ना मेरे पास, तो इसे पकड़ लेता हूँ यार, पास में ही है। थोड़ी देर ले आता हूँ भाई, ये लोग इस पर अटैक ना कर दे। इधर आ जा भाई, उधर कहाँ जा रहा है तू? मुझे लग रहा है रैप्टर जरूर मैंने न्यूट्रल कर रखा और ये इस पर अटैक करेगा। चल जल्दी हो जाएगा, तो इसमें टाइम नहीं लगेगा इतना। एक, तीन चार डार्ट में हो जाएगा काम इसका। दो हो गया, दो में ही हो गया, बड़ा कमजोर था ये तो। तो ये टेक वाला है, इसको खाने के लिए क्या चाहिए भाई? बेरीज ही चाहिए होंगे जहाँ तक है। चलो इसको भी पढ़ रहने देता हूँ। और यार एक मोस्टॉप चाहिए लार्ज, एक तो यार मोस्टॉप से ही मिलता है। अरे भाई मैं स्टार क्यों कर रहा हूँ भाई, मोस्टॉप इतना ढूंढना। अरे ये रहा भाई, मिल गया। कितने लेवल का है? और अपना डायनासोर अच्छे लेवल के आ रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे सफाई करी है तो डायनासोर की, तो अब लेवल 30 लेवल 50 ये सब आ रहे हैं। तो इसको तो भाई नॉर्मल खाना खिलाना है, तो पैसिव टेम है ये, तो आराम से हो जाएगा। इसके लिए चाहिए मुझे मीजोबेरीज, पर मीजोबेरी नहीं है मेरे पास। तो किधर है भाई मोस्टॉप? ये इनके बीच में घूम रहा है, मरेगा यहाँ पे। और मेल मोस्टॉप है, इसके बाद मुझे फीमेल ढूंढना पड़ेगा। टिंटोबेरी चाहिए इसको भाई, इसके भी अलग अलग ही नखरे हैं, टिंटोबेरी लानी पड़ेगी। ये होती है टिंटोबेरी, चलो इसको टिंटोबेरी भी खिला देते हैं भाई, क्या दिक्कत है। वैसे मैं ये सब एक बार में हो गया टेम, सही है भाई। तो देखो इसको ना ऐसे राइड भी मैं कर सकता हूँ। और इसका एक काम हो रहा है, इससे फाइबर मिलता है। एक मिनट में फाइबर हार्वेस्ट करके दिखाता हूँ। तो भाई ये फाइबर गैदर करने में बहुत सही चीज है। तो इसने भाई 200 कितना फाइबर उठाया इसने, 400 फाइबर उठा चुका है दो बार में, और फुल हो गई इसकी इन्वेंट। इसका मैं वेट ही लगा देता हूँ सारा। तो यार मुझे एक और मोस्टॉप चाहिए अभी, एक से तो काम नहीं चल पाएगा, क्योंकि इनकी ना ब्रीडिंग करानी पड़ेगी। तो मुझे कम से कम 2-3 फीमेल मोस्टॉप और चाहिए होंगे, और जो इनसे लार्ज एक मुझे मिला करेगा उससे मैं भाई काफी सारी चीजें बना सकता हूँ। भाई फाइबर उठाने के लिए तो ये बहुत सही चीज लगी यार मुझे। तो इसको मैं यहीं पे छोड़ता हूँ, ये मुझे फॉलो कर रहा है, इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ। ये देखता हूँ मैं फीमेल है ना, हाँ फीमेल लेवल 68, इसको मैं यहीं पे ना टेम कर लूँ, लेके जाने की जरूरत है। तो इसको भाई मैं न्यूट्रल नहीं करूंगा, इसको मैं पैसिव कर देता हूँ ताकि ये अटैक ना करे। और अब बारी है भाई इसको पकड़ने की, तो आ जा इधर। इधर ना 2-3 घूम रहे हैं, मुझे देखना पड़ेगा, एक दो उधर भी है। इसको वैसे तो मैं इसको उठा के ले आ सकता हूँ, पर मैंने अभी कोई टेमिंग वो बनाए रखा यहाँ पे, मैं इसको लेके जाऊँ तो मैं इसको यहीं से टेम करके जाऊंगा। तेरे डार्ट मुझे काफी सही लगे भाई, इनसे बहुत जल्दी टेम होते हैं। और जो पिछली बार मैं पानी के अंदर भाई गन चलाने की कोशिश कर रहा था ना, और ओविरेप्टर यार ये भी चाहिए मुझे, ये काम आता है यार इनको, मतलब ज्यादा अंडे देते हैं फिर ये लोग, ऐसा कुछ था। तो वो भी मुझे पकड़ना पड़ेगा, वो कहाँ भग गया यार, वो छोटा सा तो है वैसे भी। रुक जा, इसके तो मुझे लग रहा है एक में हो जाएगा इसका तो काम, पर रुक जाए एक जगह, गया क्या एक में? ये कहीं पैसिव टेम तो नहीं है? पानी में कहाँ चला गया? ए यार इसको उठा के लाऊंगा मैं, रुक जा, उठा सकता हूँ मैं इसको, उठा भी नहीं सकता, रुक जा अर्जेंट से उठाऊंगा तुझे भाई। ये मर जाएगा पानी में यार, इसको पानी में जाके बेहोश होना था क्या? इधर है ये रहा, नहीं उठा सकता भाई यार, अब यहाँ तो मर जाएगा, इसकी हेल्थ कम हो रही है। चलो तो इसको मैं जल्दी टेम ही ना कर लूँ, भाई मीजो बेरी तो खाता ही नहीं है, क्या चाहिए भाई इसको फिर? भाई इसको क्या चाहिए ओविरेप्टर को, कौन सी बेरी चाहिए इसको भाई? टिंटो बेरी तो नहीं चाहिए कहीं, एक बार खिला के देख लेता हूँ, इतना तो मर ही जाएगा भाई ये। वैसे हेल्थ कम नहीं हो रही इसकी, मतलब सेफ है, ये भी नहीं खा रहा भाई। कौन सी खाएगा तू, अजूल बेरी खाएगा क्या? शायद से टिंटो बेरी खाए भाई, ये तो कोई भी बेरी नहीं खा रहा है। इसको मीट खिला के देखूं,
क्या पता भाई मीट ही खाता हो ये। अच्छा ये मीट खाता है, मैं वही सोची यार खाई नहीं रहा इतनी देर होगी। और इसके लिए अब यार बेरीज चाहिए मुझे, नार्को बेरी, क्योंकि ये कुछ देर में उठने वाला है। मैं यार नार्को बेरी लेके क्यों नहीं आया अपने साथ? भाई मछली खाएगा क्या खाएगा ये, मेरे तो समझ में आ नहीं रहा भाई। अबे शायद अंडे तो नहीं खाएगा यार, ओविरेप्टर है ना, मुझे लग रहा है इसके लिए भाई अंडे लेके आने पड़ेंगे। टीरेक्स का एग तो नहीं खिलाऊंगा इसको, एक है गुआनाडोन का एग। चलो गुआनाडोन का भी खिलाई देता हूँ क्या जा रहा है। चल भाई जल्दी चल, वापिस वो उठने वाला होगा। अगर इसने अंडे भी नहीं खाए ना तो भाई कुछ नहीं हो सकता फिर इसका। खा गया, अच्छा अंडे खाने थे इसे। तो यार अपना टेक पेरासोर भी हो गया और सीधे लेवल 77 का हो गए। ठीक है इसको यहाँ पे मैं ड्रॉप कर देता हूँ। तो इसमें क्या लिखा आ रहा है यार, मुझे लग रहा है ये जो रेक्स का एग है शायद ये नहीं हो सकता यहाँ पे, पता नहीं क्यों मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। अब देखता हूँ भाई ये इनक्यूबेशन नहीं आ रहा है इसमें लिखा हुआ, तो कंज्यूमेबल लिखा आ रहा है। अब देखता हूँ यार ये कुछ हुआ इसमें यार, एक खाने वाला है कुछ अलग होता है इसमें, मुझे पता नहीं यार क्योंकि यहाँ पे ना ऑप्शन ही नहीं आ रहा वो वाला। तो यार मैं बिना बात इसको हैच कराने की कोशिश कर रहा था और ये नहीं हो सकता है। मैं काम करता हूँ ये सारी आग यहाँ पे बंद कर देता हूँ। तो यार ये जो एग्स है ना ये सिर्फ खाने में ही यूज हो सकते हैं, इनका और कोई काम नहीं है। और मैं ओविरेप्टर को एक बार खिला के भी देख लेता हूँ भाई, एक तो मेरा वेट इतना ज्यादा हो जाता है ना उठाती। तो यार इसको मैं 3-4 एक्स के अंडे खिला के देख लेता हूँ अगर ये होता है तो। वैसे लेवल 16 का ही है, हो तो जाना चाहिए, ज्यादा हाई लेवल का भी नहीं है। पहले तो इसकी भाई ये जो कम हो रही है कम करता हूँ मैं, टॉर्पिडिटी बढ़ाता हूँ पहले तो इसकी। अरे हो गया, बस दो में ही हो गए, तो दो में ही हो गया भाई ये तो। सही है काम हो गया मेरा। बाकी अंडे कहाँ गए, वो सारे खा गया क्या? तो ये तो हो गया भाई अपना टेम ओविरेप्टर। और एक काफी काम आने वाला है भाई ये ना, एक बूस्ट देता है इनको, मतलब कि जो भी डायनासोर अंडे देने वाला होगा भाई उसको मतलब उस प्रोसेस को बूस्ट कर देगा और जल्दी हो जाएगा काम। तो ये उठा लिया मैंने ओविरेप्टर, और भाई ये बहुत कमजोर सा होता है तो इसको मैं अंदर ही रखूंगा। इसकी हेल्थ भी बहुत ही कम है, लेवल 23 का तो है ये। तो मैं इसको ना इधर ऊपर छोड़ देता हूँ, ठीक है इसको मैंने स्टॉप कर दिया है। तो मुझे देखना है कि यार क्या मैं अपने इस डायनासोर पर उतर सकता हूँ ऊपर, अरे नहीं उतर सकता। तो भाई यहाँ से एक बार जंप लगा के देखते हैं कि अर्जेंटेविस सीधा आ सकता है कैसे। ओ भाई ये सही है, सीधे अर्जेंटेविस पे जंप करिए ने। तो ओविरेप्टर हो गया, एक ये हो गया, और एक अब मुझे यार मॉस चॉप एक हो गया था ना मेरा। अरे उसको मॉस्चॉप को भी तो खाना खिलाना था, वो तो मैं भूल ही गया। वो पैसिव टेम या पैसिव टेम में ये दिक्कत होती है, मैं याद नहीं रहता कि भाई मतलब उसके ना एकदम पीछे घूमना पड़ता है फिर बार बार। फिर मॉस्चॉप भी लेके आना एक हायर लेवल का, 45% ही हुआ है अब तक। फिर मैं ले आया इसको दूसरे को भी, और इसको थोड़ा आगे और आने दो। इनके मैंने सेडल नहीं बनाया यार अब तक, और मेरे पास अभी सीमेंटिंग पेस्ट है भी नहीं। मैं काम करता हूँ इनको ना यहाँ पे रोक के, अब इसको मुझे लगाना है यार मीटिंग पे, तो इसको मुझे बिहेवियर करना पड़ेगा एनेबल मीटिंग, उसका बिहेवियर करना एनेबल मीटिंग, ठीक है। और देखो इनके ऊपर ये आ रहा है ना बना हुआ, तो भाई यहाँ पे ना बूस्टेड है ये लोग क्योंकि ओविरेप्टर है मेरे पास। जल्दी जल्दी काम हो रहा है यहाँ पे, एक बार दिखाता हूँ मैं, ये है ना देखो फीमेल, तो 13-14%। तो भाई कितनी जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, वरना बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। और मुझे लग रहा है कि यार इनकी भी मेटिंग कंप्लीट होने वाली है, तो इसका जेस्टेशन पीरियड स्टार्ट हो चुका है। और ये लोग यार अंडा नहीं देते, जो बीवर होते हैं भाई ये सीधा इनका मतलब बच्चा ही होगा इनका, तो कोई मुझे एग वगैरह तो नहीं मिलेगा इनसे, तो उसका कोई इतना फायदा नहीं है। बाकी और देख लेते हैं भाई, बाकी यार से दूसरे तो यार मैंने ये दो तो पकड़े ही है, एक तीसरा और पकड़ लिया था मैंने यहाँ पे पास में था, वो भी फीमेल ही है। तो 2-3 फीमेल हो जाएंगी, एक मेल है यहाँ पे, लार्ज कह रहा हूँ। तो मुझे मीडियम एग तो यहाँ से मिलता रहेगा, अब ये लोग मीडियम एग करते हैं तो रेगुलर कीबल तो आराम से बन जाया करेगी। इसको ही भाई ले चलते हैं बेस पे। और पता नहीं यार मैं अर्जेंटेविस से इसको कैरी नहीं कर पा रहा, पता नहीं इसमें वेट ज्यादा है क्या है, जबकि मैं एंक्लोसोर और भाई इतने बड़े बड़े डायनासोर भी मैं इससे उठा सकता हूँ। और ये मॉस्चॉप का भी लेवल अप हो रखा है, 6 लेवल पर रखे सीधे। वैसे मुझे देखना है कि मॉस्चॉप मेल है ना, तो एक अभी फीमेल मॉस्चॉप ढूंढनी है। और तू इधर आ जा भाई, थोड़ा और आ गया। एनेबल मेटिंग, इनकी मेटिंग कैसे रुक गई? और मैं भूल ही गया था भाई, रुक जा, एक मिनट, आ रहा हूँ भाई। उसको ओविरेप्टर को खाने के लिए तो कुछ देर रखा मैंने, और भाई मर जाता भाई वो अभी। चल ऊपर भाई, ये जस्ट बचा है अभी, इसको मैंने कुछ नहीं रखा भाई खाने को, इसका फूड खत्म होने वाला था। इसका फूड का बार ही बढ़ाता हूँ मैं, उसको मैं बढ़िया मीट देता हूँ खाने के लिए, अब जहाँ तक है सब सही हो जाएगा। और यार मीट की कोई कमी नहीं है मेरे पास, मैं इसको ना और ज़्यादा मीट देता हूँ जितना हो सकता है ना। उसको मैंने एनेबल वंडरिंग कर दिया है। हाँ अब आया यार एग वाला सिंबल भाई, पहले नहीं आ रहा था ये। ओके इसे वंडरिंग पे एनेबल करना पड़ता है, बस यहाँ से भाग ना जाए इसके लिए कुछ यहाँ पे बनाना पड़ेगा। एक इधर वुडन सीलिंग चाहिए मुझे इसके लिए, वुडन सीलिंग बना के लाता हूँ भाई, जल्दी जल्दी उतर नीचे। वुडन सीलिंग किधर है, वुडन सीलिंग कह रहा हूँ यार, क्या बोलते हैं इसको, वुडन रेलिंग बनानी थी, ठीक है। अब ये इसके पास एक ही रास्ता है भागने का, ऐसे यहाँ से भाग तो सकता नहीं है, पर फिर भी मैं इसको ना यहाँ से बंद कर देता हूँ। तो यहाँ से तो नीचे उतरेगा नहीं, सही है मेरा काम चलता रहेगा। इसको मैंने खाना भी काफी दे दिया है, तो बढ़िया काम हो रहा है यहाँ पे एकदम। अब दिखाता हूँ मैं भाई इससे क्या फायदा हो रहा है।
यार ये इगोनोडोन जैसे फीमेल है ना, यहाँ जितने भी ये फीमेल डायनासोर है ना, इन सब के ऊपर एग वाला सिंबल आ रहा है। इससे क्या हो रहा है कि ये लोग जल्दी जल्दी अंडे देंगे। अभी मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे टीरेक्स के ऊपर भी आना चाहिए, तो टीरेक्स के ऊपर नहीं आ रहा। टीरेक्स दूर खड़ी है ना, ये थोड़ा, ये टीरेक्स भी फीमेल है, तो मैं इसको दिखाता हूँ। जैसे मैं इसको अगर थोड़ा सा इधर लेके आता हूँ, अच्छा मैंने इसको शायद एनेबल वो नहीं कर रखा ना, मेटिंग वगैरह। ये टीरेक्स पे क्यों नहीं इफेक्ट आ रहा? हाँ आ गया, ये देखो टीरेक्स पे भी अंडा बना हुआ आ गया ना, मैं जल्दी जल्दी टीरेक्स के भी अंडे मिलते रहेंगे। और मोस्ट चॉप पे क्यों आ रहा है? अच्छा सब पे आ रहा है ये, तो यार एक फीमेल मोस्ट चॉप आ जाए तो अपना मोस्ट चॉप का भी काम कम्प्लीट हो। अंडा दिया गया इन्होंने भाई, दे दिया भाई साहब। ये है कैरी ने अंडा दिया है भाई, इसका लेवल अप भी हुआ है साथ में। तो कितनी देर में अंडा देते हैं ये लोग? रेडी टू मेट इन 5 घंटे। भाई मुझे तो और फीमेल पकड़ने पड़ेंगे यार, ये बहुत देर में स्टार्ट, ये रेडी टू मेट है। तो यार एक दिक्कत तो मुझे ये लगी कि यार एक बार अंडा देने के बाद तो बहुत देर टाइम लगाएंगे ऐसे। तो चलो इसको तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ। अच्छा ये फर्टिलाइज है ना, एक काम करता हूँ एक और ना इससे मैं बना ही लेता हूँ, इससे मुझे थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि कैसे इसमें ये सब होता है। तो इनक्यूबेशन हो रही है 100%। तो एसी काम कर रहा है अपना और 100% इनक्यूबेशन कर रहा है इसको। लेवल 100 और लेवल 72 का अंडा है, तो भाई इससे बढ़िया बच्चा निकलने वाला है एकदम। एग हेल्थ क्यों कम हो रही है भाई, क्या दिक्कत आ रही है इसको? हाँ अब नहीं हो रही ना कम। अच्छा अब इनक्यूबेशन स्टार्ट हुई है, एक और जला देता हूँ फिर तो मैं। तो अब इसके लिए एकदम परफेक्ट टेम्परेचर है, पहले क्या था कि थोड़ा वो था, इनक्यूबेटिंग आ गया लिखा हुआ। 8 मिनट लगेंगे इसको, ठीक है भाई 8 मिनट लगने वाली है इसको इनक्यूबेट होने में। ठीक है भाई, दो दो अंडे मैंने रख दिए यहाँ पे, और जब इनमें से बच्चा अच्छा निकलेगा भाई देखते हैं क्या उसको करना है। भाई साहब फाइट चल रही इधर, तो किधर गया ये रहा, लेवल 6 का है, इसको मैं मार सकता हूँ। बस ये है कि आसपास कोई थाइलो कोलियो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बेरियोनिक्स मिल गया, बेरियोनिक्स रुक जा भाई, किधर जा रहा है तू, कहाँ गया वो बेरियोनिक्स? उए भाई आज मैं दिखाता हूँ तुम्हें एक थाइलो कोलियो, जिसकी मैं हमेशा से बात करता ना वीडियो में कि एक पेड़ के ऊपर बैठा रहता है, ये बैठा लेवल 42 का थाइलो कोलियो पेड़ पे बैठा है। अब मैं बताता हूँ क्या होता मेरे साथ, मैं इधर से जा रहा होता सीधा, ये उड़ता हुआ आता मेरे ऊपर अटैक करता और मुझे मौका ही नहीं मिलता संभलने का। इसका ब्लीडिंग अटैक होता है तो पूरा मतलब खून खून निकलने लग जाता है बॉडी में से, और भाई ये मार देता है। भाई क्या जगह पे बैठा है भाई ये, इसलिए मैं रेडवुड फॉरेस्ट में आ नहीं रहा बहुत दिन से। टीरेक्स वगैरह लेके आना पड़ेगा यहाँ पे तो। हाँ मुझे देखना था बेरियोनिक्स कितने लेवल का है, लेवल 8 का है यार, 8 में तो मजा नहीं आएगा, कम से कम लेवल 20-25 का तो हो यार बेरियोनिक्स, 8 का क्या मतलब है। एक तो यहाँ पे कुछ दिखता भी नहीं है भाई, पेड़ इतने है भाई यहाँ पे। सोच रहा हूँ अपना टीरेक्स लेके आ जाऊँ यहाँ पे। ये जो सार्को है, सार्को को तो मैं मार सकता हूँ आराम से, मुझे ना इस मेंढक को पकड़ना है एक बार। पकड़ लिया चल चल चल, बहुत सही, इसको ले चलता हूँ भाई अपने बेस पे और वहीं ले जाके इसको मैं टेम करूंगा। रुक जा बेटे, कैसे भाग जाएगा तू, इतनी मेहनत से तुझे उठा के लाया हूँ मैं। अरे बच गया, गया एक में चला जाएगा, फंस गया है पर फिर भी भाग ही जा रहा है। वो उधर मत जा, हो गया बेहोश हो गया। इसको क्या चाहिए होता है खाने के लिए यार, इसका नहीं पता मुझे इसको क्या चाहिए। एक बार मैं जल्दी देख के आता हूँ इंटरनेट पे कि भाई इसको क्या चाहिए होता है बीजल बफ को। तो इसको चाहिए फिश मीट मेरे पास है, पर पहले ना इसको थोड़ी देर में भूखा रखता हूँ, इससे क्या होगा थोड़ी टेमिंग इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी। और इसको ना मैं ट्रैक कर लेता हूँ भाई, इसकी टॉर्पिडिटी कितनी जल्दी जल्दी कम हो रही है, नारकोटिक खिलाते रहना पड़ेगा इसको। इसके लिए थोड़ा फिश मीट लाना पड़ेगा, जो कि मुझे अपने मेगलोडॉन से मिल जाना चाहिए, शार्क से। उसके लिए यहाँ तक कोई सेटल वगैरह नीचे होगा तो ऐसी हो जाएगा। और इसको मैंने इसलिए टेम करा भाई, इससे काइटिन मिलता है बहुत सारा, ये इनको इंसेक्ट को मार के बहुत सारा काइटिन उठाता है। हो जाए जल्दी, हो गया टेम। इसका नाम भाई चैटिन रख देते हैं, क्योंकि चैटिन यूज मतलब चैटिन के लिए यूज हो गए। इसका भी सेडल है, ओ भाई इसका सेडल कब खुलता है? बीजल बफ सेडल खुलता है भाई 40 पे, 16 पॉइंट चाहिए इसके लिए। चलो इसको मेरा टाइम लग जाएगा अभी। और भाई अरे मैं भूल गया था यार, उसके कार्बोनिमस के अंडे रखे हैं यहाँ पे, वो बच्चे निकल गए इसमें तो। वो भाई साहब दो दो छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं यहाँ पे। नंबर 1 का भाई कुछ भी नाम रख रहा हूँ मैं, मुझे नाम नहीं समझ आ रहा इसमें क्या रखूँ मैं। इसको खाने के लिए भी तो चाहिए भाई, टिंटोबेरी खा ले तू। खा रहा है टिंटोबेरी, खा रहा है। इसको नंबर 2 कार्ब, और इसको भी मैं टिंटोबेरी ही दे देता हूँ। आओ भाई इधर आओ तुम। भाई कैसे लग रहे हैं छोटे छोटे से, वो है क्या है पता कैसे चलेगा मुझे? अच्छा तो ये फीमेल है सही है भाई, दोनों फीमेल मिल गई है। पर इनको अब मैं क्या करूँ, मतलब क्या लिखा रहा है यहाँ पे, वॉन्ट्स केयर इन 1 घंटा, तो 1 घंटा 20 मिनट बाद वापस आना है मुझे यहाँ पे। पता नहीं भाई यहाँ पे क्या क्या करना है, और वही बहुत जल्दी जल्दी खाना खा रहे हैं भाई, इसका कुछ करना पड़ेगा। जल्दी इनको फॉलोइंग से हटाता हूँ। इनके लिए यार जल्दी से मुझे ना बेरीज चाहिए बहुत सारी, इससे मिल जाएंगी मुझे बेरीज। मीजो टिंटो बेरी उठा लेता हूँ मैं। यहाँ पे देखते हैं भाई इन्होंने और अंडा दिया क्या, एक और अंडा दे दिया इसने। अच्छा तो कंज्यूमेबल है ना, तो इनका तो काम चलता रहेगा। यहाँ पे भी देखना है भाई मुझे, इसका भी 22 मिनट बाद जेस्टेशन पीरियड खत्म होने वाला है। भाई साहब ये तो खाना पी रहे हैं बिल्कुल, खतरनाक ही हो रखे हैं भाई ये तो। भाई 4 कहाँ से आए, ये 2 में से 4 कैसे निकल गए? मैं यार इन दोनों को देख रहा हूँ जब से, यहाँ 2 और बैठे हैं तैयार। नंबर 3 भी आ गया और नंबर 4 भी आ गया,
और कार भाई, एक अंडे में से दो निकलते हैं यार, मुझे तो पता चला है। इनको भी खाना खिलाना पड़ेगा। ओ भाई, इनका फूड खत्म ही होने वाला था, बच गए जस्ट। भाई इधर फंस गए गए, इधर आओ भाई। दोनों इधर ही नहीं आ रहे भाई, पता नहीं वहाँ पे काट के हुए हैं। तो ये दोनों तो यार मैच्योर हो रहे हैं धीरे धीरे, मतलब ये दोनों मैच्योर हो रहे हैं। और एक बार ये देखता हूँ ये क्या है, फीमेल, चारों ही फीमेल मिल गई भाई। ये तो बहुत सही काम हो गया। अब इनको भाई बेरीज खिलाते रहना पड़ेगा, मुझे बहुत ज्यादा बेरीज डिमांड कर रहे हैं यार ये लोग। तो मुझे इससे ना बेरीज उठानी पड़ेंगी काफी सारी। भाई जितनी बेरीज दे रहा हूँ ये सारी पी जा रहे हैं इतनी जल्दी, पता नहीं क्या चल रहा है इनका। ठीक है, इसको भी बेरी मिल गई। तो इन सबके पास बेरीज तो हैं अब, और ये मैच्योर भी होने वाले हैं, 40% हो गए हैं। तो इनके लिए इधर मैं फीडिंग ट्रफ बना देता हूँ, एक मतलब दो बनाने पड़ेंगे इस। तो मुझे ना एसी यहाँ से हटाना पड़ेगा, अरे बहुत गलत जगह पे रखा हुआ है। अब बारी है भाई बीजल बफ की, इनको हुआ क्या भाई अब तक कुछ? भाई बड़ा टाइम लग रहा है इसमें तो। और रेक्स ने भी एक आधा अंडा और दे दिया होगा अब तक तो। यार मुझे एक चीज बढ़िया लगी इसमें कि एक बार खेती स्टार्ट कर दी उसमें फिर कुछ डालने की जरूरत नहीं है, बस फर्टिलाइजर डालते रहो भाई। और देखो ये अपना सामान सीधा मिलता रहता है डायरेक्ट, और मैंने काफी इकट्ठा भी कर लिया है क्योंकि अभी ना यूज नहीं हो पा रहा कुछ भी, मैं बना तो पा ही नहीं रहा इससे। तो ये सारा मैं यहाँ पे स्टोर ही कर देता हूँ। फिर टर्टल मैंने काफी सारे ब्रीड कर दिए हैं, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो इतने ही काफी यार। इनको भी ट्रांसपोर्ट भी करना है तो उसमें बहुत दिक्कत आने वाली है। उससे पहले मैं ऐसा करता हूँ, अपने अर्जेंटिव से लेकर चलता हूँ, एक बेरियोनिक्स और टेम करके लाता हूँ। तो मैं एक ट्रैप लेके जा रहा हूँ बेरियोनिक्स के लिए, पर यार जहाँ पे मैं जा रहा हूँ ना स्वैम्प में भाई, वहाँ पे इतनी ज्यादा दिक्कत हो जाती है ना। और इसके बाद जो नेक्स्ट एपिसोड होगा भाई, उसमें मैं इस पूरे बेस को शिफ्ट करने वाला हूँ। उसके लिए मुझे एक जगह देखनी है मैप के सेंटर में, सोच रहा हूँ मैं। तो मैंने सोचा कि रेडवुड फॉरेस्ट पार करने के बाद जो जगह आती है ना, वहाँ पे काफी मतलब फ्लैट जगह है, और वहाँ पे एक बढ़िया महल बनाऊंगा मैं। तो ऐसी कोई जगह चाहिए मुझे, और मैप के सेंटर में मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि यार, ताकि यार मुझे पूरा मैप घूमने में आसानी रहे। यार बेरियोनिक्स गए कहाँ? मैंने देखा था एक इधर। यार मेरा मन तो कर रहा है कि मैं थैलोकोलियो को ही टेम कर लूँ इसे। कहाँ गया वो, पेड़ पे था ना इधर। बेरियोनिक्स तो यार दिखाई नहीं दे रहा, थैलोकोलियो को ही पकड़ा जाए फिर। यहाँ पे एक ट्रैप बना लेता हूँ। अब ये नहीं पता कि वो ट्रैप में फंसता ही नहीं फंसता। मैंने यार थैलोकोलियो को भी टेम नहीं करा, मैं हमेशा थैलोकोलियो से मरा ही हूँ। कहाँ है भाई? यार अभी तो यहीं पे पेड़ पे था, अभी मैं देख के गया था। हो रहा यार है तो ये पेड़ के ऊपर। अब इसको यार यार पेड़ के ऊपर है तो ये फीमेल थैलोकोलियो लेवल 42। अब यहाँ पे यार ट्रैप बनाना बहुत मुश्किल है भाई, तो सांप इतने घूम रहे हैं ना यहाँ पे। एक काम करता हूँ, पहले इनको ना निपटाता हूँ मैं थोड़े से को। इनमें से ना कुछ लोगों को मुझे निपटाना पड़ेगा पहले, तभी काम हो पाएगा। बस कोई दूसरा थैलोकोलियो ना आ जाए, इन्हें तो मैं संभाल लूंगा जो मगरमच्छ से घूम रहे हैं। जो सार को ऐसे तो मार दूंगा मैं ऐसे। तो एक सार को तो गया, इस सांप को मारता हूँ अब भाई। इसने जहर लगा दिया यार। अरे सांप इतने बुरे लगते ना मुझे, इसमें इसको भी मारूंगा। इससे प्राइम मीट मिल रहा है, ये रे और आ रहे हैं भाई। कितने सांप है यार यहाँ पे, टाइटनोबोआ बहुत ज्यादा हो रखे हैं इधर ना। एक और उधर मार दिया, ये भी सार को भी है। अब ये नहीं समझ में आ रहा है सार को है फिर वो है क्या बोलते हैं, हाँ सार को है यार। वो मगलती से थैलो को लेकर तरफ से आ गया था अभी। यार ये चीटियां कहाँ से आ गई, इन्होंने भी दिमाग खराब कर रखा है। गई भाई यहाँ पे यार जगह बने तो मैं एक बार ट्रैप बनाऊँ जाके। वो बेरियोनिक्स मिल गया यार, अब क्या पकड़ूं मैं? दो चीजें मिल गई मुझे। ये रहा बेरियोनिक्स, कितने लेवल का है? काश यार लेवल 8 का बेरियोनिक्स है यार, को मारना पड़ेगा। पर यार ये वो पूंछ वाला अटैक ना कर दे, स्टन अटैक करता है भाई ये, उस फिर ना मेरा डायनासोर मूव भी नहीं कर पाएगा अपनी जगह से। उस थैलोकोलियो वहां से उतर के गायब हो चुका है, मरने वाला है। गया बेरियोनिक्स तो। अब बारी है थैलो को पकड़ने की। चलो भाई, अब कौन से पेड़ पे चला गया वो? ये उतरना पड़ेगा यार, मैं गया बहुत गलत जगह पे उतरा हूँ वैसे मैं। एक बार स्टेमिना फुल हो जाए इसका। यार थोड़ा और आगे चल के देखता हूँ, यहाँ पे तो मुश्किल लग रहा है काम। क्या पता बेरियोनिक्स ही मिल जाए बढ़िया लेवल का। भाई कितना मस्त है रेडवुड फॉरेस्ट देखने में, पर इसके अंदर यार है बहुत कुछ। ये रहा थैलोकोलियो घूम रहा है ना, ये रहा नीचे है। लेवल 4 का आएगा यार, लेवल 42 को ही पकड़ना है मुझे। इसको मारता हूँ, चलो भाई 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 बच गया भाई। तो ब्लीडिंग अटैक देता यार, लेवल 4 का भी इतना खतरनाक है। निकलो निकलो भाई, लेवल 42 को कैसे पकड़ूंगा मैं फिर, जब लेवल 4 वाला इतना तगड़ा डैमेज कर रहा है। भाई आज तो आर पार का माहौल हो रखा है यहाँ पे। ये रहा लेवल 42 अभी इधर ही है, वो तो नहीं आ रहा ना इधर। सोच रहा हूँ यार मैंने यहाँ पे माहौल शांत तो कर दिया है काफी, तो उतर ही लेता हूँ भाई। ट्रैप बना रहा हूँ मैं इधर ही, बस पीछे से अटैक नहीं होना चाहिए मेरे ऊपर। जल्दी बना दे भाई ट्रैप, इतना टाइम क्यों लग रहा है इसमें? इसमें फंस जाएगा ना ये, वैसे इसकी हाइट बहुत कम है ट्रैप की। मुझे अब भी शक हो रहा है कि वो इसमें नहीं फंसेगा थैलोकोलियो भाई। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि थैलोकोलियो इसके ऊपर से जंप करके चला जाएगा। यार मैं रिस्क ले रहा हूँ वैसे तो, पर कोई बात नहीं। अब यहाँ से मुझे इसमें ना राइफल मारनी है थोड़ी सी, जो कि अगेन एक बहुत ही बड़ा रिस्क है। चलो यार एक उसके मार ही देता हूँ मैं। वो भाई उतर रहा है वो तो। लगा लगा उसके लगा लगा उसके लगा भाई लगा। आया नहीं यार पर थैलोकोलियो,
ये क्या हुआ? आ रहा आ रहा। अब मुझे ना एक रिस्क लेना पड़ेगा काफी खतरनाक, कि मुझे ना इसको मार के एक बार उतरना पड़ेगा नीचे। भाई 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 भाई, ये तो बहुत खतरनाक अटैक कर रहा है यार, मुझे लग रहा है मैं मरूंगा यहाँ पे। किधर गया? ये रहा। अब इसको ट्रैप में बुलाना ना। कैसे बुलाऊंगा यार ट्रैप में? मुझे नीचे पैदल ले जाना पड़ेगा इसके लिए। तो फिर से कहीं छुप गया है पूरा। चलो भाई इसको बुलाते हैं ट्रैप में अपने। आ जा भाई, मैं मरा, मुझे अपनी मौत आती दिख रही है। किधर से आ रही है? अच्छा इसके अंदर नहीं आ पा रहा ना, तो बाहर भी नहीं आ पाएगा। भाग 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 भाग। ओ मैं इसके अंदर रह सकता हूँ, बढ़िया। ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। रुक जा यहीं रुक जा तू, तुझे मैं बताता हूँ। भाई मैं ट्रैप के अंदर हूँ, ट्रैप के बाहर है, पर कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे भी। भाग रहा है मतलब काम होने वाला है। पानी में मत भाग। इधर गया वो, भग गया। पकड़ो पकड़ो भाई, से पकड़ो। अर्जेंट इस फॉलो पे नहीं है, ये मैंने कब करा भाई? इधर गया जल्दी। वो किधर भग गया भाई? इतने तीर खिलाया मैंने उसे। ये रहा, भाग रहा है भी। ये इसके एक तीर और मारना है बस, इसका काम खत्म है। गया गया, चल 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 चल। ओए भाई बिल्कुल सामने घूम रहा है मेरे। होने वाला है, होने वाला है। बस गिर जा भाई। कितने खाएगा अभी? अटैक कर दिया इसने तो मेरे पे, इसने मेरे पे अटैक कर दिया, इसने तो मेरे अर्जेंटेविस पे भी अटैक कर दिया, इसने मेरे पे अटैक कर दिया। मैं गया भाई, आजा अर्जेंटेविस, आजा। ओए कहाँ है अर्जेंटेविस? इसे मारना पड़ेगा मुझे लग रहा है इस हिसाब से तो। चल चल उड़ उड़ भाई, बच गया, जस्ट बचा हूँ मैं भी। किधर है वो रहा यार? वो इतने तीर खाने के बाद भी उसकी टॉर बैटरी कम नहीं हुई भाई, मैंने हल्के में ले लिया से कुछ ज्यादा ही लग रहा है। कितनी हेल्थ कम कर दी भाई इसने मेरी। फिर से ट्रैप के अंदर ही जाना पड़ेगा लग रहा है। यहाँ पर मेरी हेल्थ, मुझे वापस जाना पड़ेगा शायद, बिना हेल्थ के तो मैं बच नहीं पाऊंगा। ऐसे आता हूँ इसके पास अभी भाई, अभी मैं यहाँ मरते मरते बचाऊँ, जस्ट हेल्थ फुल करके लाता हूँ और इसको ना ट्रैप में फंसाऊंगा। ऐसा काम नहीं हो पाएगा यहाँ पे। इसको मारना तो आसान है, मार तो मैं देता अब तक मारना होता तो, पर इसको मुझे पकड़ना है, बात ये है। मारने को तो अर्जेंटेविस का भाई इतना ज्यादा डैमेज है, ये बच नहीं पाएगा, आराम से मर जाएगा बहुत। मेरा आर्मर भी तोड़ दिया पूरा। तो इस बार मैंने शील्ड वगैरह बना ली है पहले ही, तो मैं एक काम करूंगा, शील्ड से अपने आप को बचा के और उसको ट्रैप में गिरा दूंगा। भाई मैंने इस बार ना पूरा आर्मर अपना उसका बना दिया है मेटल का, और साथ ही साथ मैंने एक शील्ड भी बना लिया है, तो सेफ्टी की तो मुझे लग नहीं रहा कोई दिक्कत होनी चाहिए। यार दिखाई नहीं दे रहा कहीं पे भी। भाई कितने सारे आ गए। ओ भाई इन्होंने तो यहाँ माहौल ही खराब कर दिया एकदम से। देखो पहले ना मैं इसको फॉलो पे लगा लेता हूँ, अब मैं जाऊँगा। और इधर से ना इसको किसने मारा यार? वो लेवल 42 का थैलो इतना बढ़िया था, किधर गया वो? ये क्या है, ये क्या है भाई? वो ये क्या है भाई? ये क्या हो गया मुझे? वो भाई ये क्या क्या खतरा है यार यहाँ पे? ओए टाइटन बो आ गया, टाइटन बो आ गया भाई, आ गया। अर्जेंटेविस ही बचा पाएगा अब तो। भाई मैंने इसको बहुत सही टाइम पे न्यूट्रल कर दिया भाई। पता नहीं क्या था वो, उड़ता हुआ कुछ आया मेरे पे और उसने मुझे भाई बेहोश कर दिया। मैं कह रहा हूँ ना भाई, रेडवुड फॉरेस्ट खतरों से खाली नहीं है। यार बात ऐसी है कि मेरा ट्रैप इधर है, तो मुझे थाइलो को ने इधर ही बुला के लाना पड़ेगा जहाँ भी होगा। भाई थाइलो की हेल्थ काफी होती है, एक तो ये ब्लीडिंग अटैक देता है ना डायरेक्ट। चलो भाई ढूंढते हैं उस थाइलो कोलियो को, कहीं ना कहीं तो मिलेगा। बैठा तो किसी पेड़ पे होगा जरूर, और कोई जगह नहीं है उसके पास। भाई मेरे ऊपर थाइलो कोलियो ने अटैक कर दिया, मैं जंगल में आया हुआ था। अब इसको मारू या क्या करूँ, इसको पकड़ना तो मुश्किल है, इसको मारना ही पड़ेगा। उए, क्या हो रहा है ये, मैं कहाँ फंस गया? बिठा ले भाई, बच गया मैं, मैंने मार दिया उसको भाई, शील्ड काम आ गई। इधर आ जा भाई। उए, एक और एक और एक और, इसको ही मारूंगा। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, मार दिया। उए, भाई मैं मरने वाला हूँ, सांप भी आ गया इधर ही, सब यही होगा। जल्दी हेल्थ 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 भाई, अब तक एक भी नहीं था यहाँ, अब थाइलो कोली आ रहे हैं एक के बाद एक, कूदे जा रहे हैं मेरे ऊपर। भाई दो से बचाऊ मैं भी, इतनी सी हेल्थ हो गई थी मेरी। यार मैं जब से ढूंढ रहा हूँ इन्हें, एक नहीं मिला, और जहाँ मैं शांति से उतर रहा था वहाँ पे भाई एकदम से मेरे ऊपर इतना खंदा अटैक हुआ है ना अभी, क्या ही बताऊँ मैं यार। अब लेवल 37 और इतने बढ़िया बढ़िया मर गया अब। और क्यों मर गया? क्योंकि यार इसके चक्कर में मैं इसको मारने के लिए नीचे उतरा था। आ जा अब आ जा तू, इसके चक्कर में मरा यार वो थाइलो कोली बेचारा। यार इतने बढ़िया दो थाइलो कोलियो चले गए, लेवल 52 बैरियोनिक्स, मजा आएगा इसको टेम करने में। चलो थाइलो कोलियो ना सही, बैरियोनिक्स ही सही, पर इधर भी ना काफी खतरा है यार। वो अच्छे खासा थाइलो कोलियो में टेम करता है यार, इनके चक्कर में हुआ है ये, क्या है ये देखना इन्हें, ना इनका कुछ डैमेज होता, दिमाग खराब कर रखा है यहाँ जब से। अब बात यह है कि इस बैरियंस को कैसे पकड़ा जाए, ट्रैप तो ही नहीं मेरे पास, अब मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा इसको टेम। ओ भाई अल्फा ये भी घूम रहा है इधर, सब चीजें इधर ही घूम रही है। आ जा बैरियोनिक्स, भाग भाग भाग, उड़ 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 उड़, बच गया बच गया बच गया। कई जगह यार ये तो हर जगह चढ़ जाएगा इसको, यहाँ पे कोई हाइट वाली जगह नहीं है जहाँ से मैं इसको मार सकूँ। एक तो यार इसके ऊपर बैठे बैठे मैं तीर नहीं चलाता ना अर्जेंटेविस के ऊपर बैठे बैठे, ये भी दिक्कत है भाई। ये पहले इसको मारना पड़ेगा वरना ये आके ना सब गड़बड़ कर देगा। पर ये अल्फा है भाई, इसको मारना बहुत मुश्किल है, पता नहीं कैसे मारूंगा मैं। अरे ब्लीडिंग अटैक ये भी देता है, रुक जा भाई, इसके तो कुछ हो ही नहीं रहा, इतने लेवल का है, मैंने पंगा ले लिया। अरे भाई भाई आराम से आराम से, बस यहाँ पे यार थैलो को लेना आ जाए एक, पहली मैं दो मार चुका हूँ। चल 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 चल, मार दे मार दे। अर्जेंटेविस का भाई आज पूरा वो है, टेस्ट है आज, देखते हैं कि इसे मार पाता है नहीं। अच्छा सांप भी आ गए, बहुत बढ़िया, सांप को निपटा दिया मैंने, इसका भी होने वाला है काम। पर भाई कितने अटैक कर चुका हूँ भाई मैं, बॉडी से खून नहीं निकला अब तक, अब जाके निकला थोड़ा सा। मार दिया, क्या मिला इससे?
भाई लेवल अप हुआ है मेरा, और होना ही था भाई, मैंने अल्फा मारा है, दो लेवल अप हो गए सीधे। तो एक तो स्टैम, एक तो वेट में लगा लेता हूँ और एक डैमेज में। मेरा भी लेवल अप हो गया, एक तो मैं अपना वेट में लगा लेता हूँ, ये फिर एक ना मूवमेंट स्पीड में लगाता हूँ। यार मूवमेंट स्पीड बहुत कम है मेरी, पहले गोली से मैं भाग नहीं पा रहा था ना जब। अब इस बैरियर इसको पकड़ना है, इसको मैं उठा सकता हूँ क्या? नहीं उठा सकता, तो इसको ना बार बार उतर उतर के मारना पड़ेगा भाई, यही एक तरीका है और कोई नहीं है। मुझे लगता है अटैक नहीं करेगा शायद, एक बार दो तीन तीर मार के देखता हूँ। एक लगा, आ जा पानी के बाहर, आ जा जल्दी। ओए ओ गया, ओ गया गया गया, बच गया भाई। इस पे ऊपर चढ़ सकता है, कोई ऊंचा सा पत्थर नहीं है क्या यहाँ पे? यहाँ पे मैं इसको ले जाऊँ, इसको ना थोड़े इधर लेके आता हूँ। आ जा इधर आ जा, अरे पीछा नहीं करता है, जल्दी पीछा छोड़ देता है, इसलिए इसको ना ट्रैप करना थोड़ा सा मुश्किल है। ये रहा, पीछा करता ही नहीं भाई ये, मैं इसके साइड में घूम रहा हूँ जब से। ओए बच गया, अटैक कर दिया था इसने। दो तीन बार में और हो जाएगा इसका काम जहाँ तक है। वो भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। पानी में मत जा यार, यार उधर जाके बेहोश ना हो जाए बस। क्या करूं मैं इसका, वहां गिर गया या पानी में गिरा है, मुझे लग ही रहा था इसके साथ यही होगा। यार इसे पानी में ही गिरना था क्या? एक बार चल, वैसे पानी में जिंदा रहता है ना, तो इसके कुछ होना तो नहीं चाहिए यार पानी में। ये हेल्थ देख लेता हूँ मैं, हेल्थ कम हो रही है क्या इसकी? तो इसकी हेल्थ कम नहीं हो रही है, मतलब जिंदा रह लेगा पानी के अंदर। ठीक है कोई बात नहीं, अब मुझे इसकी सेफ्टी का ध्यान रखना है यहाँ पे। एक काम करता हूँ, इसको ना फिर क्रायोपॉड ही कर लेता हूँ मैं। चल बेटे आ जा क्रायोपॉड के अंदर। तो अपना यार बैरियोनिक्स भी हो चुका है, थाइलोकोलियो मैं नेक्स्ट एपिसोड में टेम करूंगा। यहाँ पर क्या गिरा इसने, फिश। चलो भाई थाइलोकोलियो आज नहीं मिल पाया, वरना थाइलोकोलियो भी मैं कर लेता, मतलब वो ये मिले तो बहुत थे पर वो बेचारे बच नहीं पाए। तो अब जल्दी से बनाता हूँ इसका बैरियन, इसका सेडल। क्या क्या चाहिए इसको? 25 मेटल इंगट, 350 फाइबर। भाई फाइबर बहुत चाहिए इसको, फाइबर वैसे मेरे पास है, कोई कमी नहीं है। मेटल इंगट भी होने चाहिए। तो अब मेरे पास मेन जो डायनासोर मुझे चाहिए अपना बेस बनाने के लिए, वो सब हो चुके हैं। और जो और पानी में भी एक्सप्लोर करने के लिए मेरे पास एक मेगलोडॉन है पहले से, और अब एक बैरियोनिक्स भी हो चुका है, जो कि यार केव में भी काफी बढ़िया काम आता है। इसका लेवल अप भी हो गया इतनी जल्दी, दो लेवल अप हो गए। पहले तो इस पर बैठो भाई। ओ भाई साहब, तो इसको एक तो फिश मीट खिलाता हूँ पहले, और इसकी ना हेल्थ बढ़ाऊंगा मैं, अभी हेल्थ बहुत कम है इसकी। डैमेज तो ठीक ठाक है, और स्टेमिना, हेल्थ और स्टेमिना में लगाऊंगा पॉइंट्स। और भाई इसका जो स्टन अटैक है ना, वो काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल होता है। तो ये तो इसका प्राइमरी अटैक है, जो कि नॉर्मल सा होता है। और भाई एक चीज हो रही है, जंप भी कर सकता है थोड़ा थोड़ा। ये देखो जंप कर रहा है ना बढ़िया, मतलब बहुत ज्यादा हाइट नहीं है पर ठीक है। ये इसका सेकेंडरी अटैक है, और वो जो स्टन वाला मैं बता रहा ना, वो करता है पानी के अंदर। तो ये देखो ये इसका स्टन वाला अटैक भाई, काफी डेंजरस होता है। यहाँ पे कोई है नहीं, वरना मैं दिखाता यार यहाँ पे। ये रहा टर्टल है ना, इसको दिखाता हूँ मैं। तो देखो जैसे मैं इस टर्टल के पास आया, और ये इसने घूम के अटैक मारा, तो ये स्टन हो गया, अभी मुझे कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये काफी काम आ जाता है भाई, जैसे अंडर वाटर केव्स वगैरह एक्सप्लोर करने में इनमें। अब देखो कितनी देर से स्टन पड़ा है, इतने में मैं इसको कितना ही मार लूं। है नहीं मस्त अटैक एकदम। अब जैसे कोई शार्क मेरे पर अटैक कर दे, मैं उसको स्टन कर सकता हूं, और फिर उसको मैं डैमेज देता रहूंगा, वो कुछ नहीं कर पाएगी मुझे। तो इस वाले मैप पे तो सबसे तेज जमीन पे भागने वाला है मुझे लगता है थाइलोकोलियो ही है, और उसे मैं टेम करूंगा नेक्स्ट एपिसोड में। भाई मुझे कुछ टिप्स बताना नीचे कि मैं क्या कैसे उसको टेम करूं, कि ट्रैप बना के करूं या फिर कुछ और तरीका है उसको टेम करने का। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।